I come to Professor Dr. Sohail Akhtar, जिनसे मैं यही सवाल करना चाहूंगा. एंड प्रोफेसर डॉक्टर सोहेल अख्तर इज वॉज द पास्ट प्रेजेंट ऑफ पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन एंड ही इज द हेड ऑफ द पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट एट इंडस हॉस्पिटल. अगेन यू आर ऑल्सो राइट इन द मिडल ऑफ वेयर द हैपनिंग इज. डॉक्टर सोहेल, जो मेरा एक सवाल है वो ये है कि वेन द कोविड 19 स्टार्टेड वी थॉट इट्स अ रेस्पिरेटरी डिजीज, बट करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट आई थिंक अब शायद ऐसी बात नहीं है. तो एक तो आई वॉन्ट यू एज अ पल्मोनोलॉजिस्ट टू टेल अस, is it still a respiratory disease or not? Dusra ye ke aap ventilators pe bhi, we have heard a lot of comments and ups and downs hain. Ab hum sunte hain ki ventilators should not be the first intervention, or bahut carefully cautiously karna chahiye. So why is that? Is pe agar aap thoda sa CPAP oxygen, humne ye dekha hamare physicians bhi hain kuch jo unfortunately got sick. And their oxygen saturation went down. And Dr. Zulfiqar Bhutta actually pointed it out that 50%, 60%, jo aap believe nahi kar sakte, clinically aapko wo correlate nahi kar rahe. So if you can elaborate upon that, please, as a pulmonologist. Assalamu alaikum. Bahut shukriya, Zaki. Pehle to main Faisal ki jo last baat inhone dead body wali kahi thi, bahut hi pertinent thi, and we were very sensitive. For the reasons that Faisal mentioned, social issues वगैरह. तो अल्हम्दुलिल्लाह कल हम इसमें कामयाब हुए हैं कि गवर्नमेंट ने इसको ऑफिशियली रिकग्नाइज किया है और वो अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस हटा दी हैं पूरे बरियल के प्रोसीजर से, जो जरूरी भी नहीं थी और साइंटिफिक भी नहीं थी. सो पीपल कैन बरी देयर बिलव्ड वंस देमसेल्व्स. तो ये उम्मीद है कि इससे फायदा होगा. नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, शुरू शुरू में तो किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये होगा क्या, बट सिंस इट इज अ वायरस एंड इट इज वन ऑफ द फैमिली ऑफ कोरोना वायरस, जिसकी कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस दुनिया में था, तो उसमें अंदाजा यही हुआ. और नाउ लुकिंग बैक एट 3 months बैक, वी इट लुक्स लाइक जस्ट अनदर ऑफ दोज विरुलेंट वायरल इन्फेक्शन विच कैन प्रेजेंट आइदर वेरी सटली, जस्ट विद माइनर सिम्टम्स. इनफैक्ट ज़्यादातर पेशेंट्स जो हैं वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल माइनर सिम्टम्स के साथ होते हैं. बहुत से पेशेंट्स शायद उसके बगैर शायद ठीक भी हो जाते हों. तो लेकिन जो ट्रबलसम फेज है वो पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस का होता है, एंड दिस इज बिलीव टू बी बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ इनॉर्मस नंबर ऑफ साइटोकाइंस by the virus incorporating itself into the host cells. और एक लंबी लिस्ट है जिसमें interleukin 6 जो है वो सबसे ज्यादा culprit कहलाया जाता है, and it also promotes the release of other factors. तो इनके नतीजे में जो severe inflammatory reaction होता है, the main target of which is after all the lungs, उसकी वजह से पहली problem create होती है जब patient actually hospital में पर राबता करता है, या यूं कहिए कि हम ऐसे कैरियर्स को, या यूं कहिए कि पॉजिटिव पेशेंट्स को जो घर पे आइसोलेट हो रहे हों, वी से दे आस्क अस व्हाट इज द टाइम दैट वी शुड रीच द हॉस्पिटल. वी टेल देम व्हेन यू फील ब्रेथलेस. ओके, सो फीवर नो प्रॉब्लम, माइल्जिया नो प्रॉब्लम, लिटिल बिट ऑफ कॉफ, जस्ट लिव विद इट, बट व्हेन यू फील ब्रेथलेस जस्ट रश टू द हॉस्पिटल. तो ये वो पल्मोनरी कंपोनेंट है. एंड the moment we see somebody presenting with these symptoms and his lungs showing not up to our liking, we say that this is wrong and it must be COVID-19. Let's prove it one way or the other. So ye pulmonary component hai jisme fir patient ko hospitalized bhi hona chahiye, and this is the time when we just wait that the storm gets over, because otherwise the third is the most lethal and most fearsome stage, which is that of multi-organ failure. Right. So COVID-19 is not only the problem of infectious disease specialist or pulmonologist. We have a team, we require a team of experts, particularly cardiologists, particularly nephrologists, because a significant number of them develop renal failure and have to be dialyzed. Cardiac arrhythmias or cardiac heart blocks or हार्ट फेलियर्स बहुत कॉमनली होते हैं. तो एक और जो अहम चीज हमारी लर्निंग में साथ साथ डेवलप की, विच इज नाउ वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड नाउ,
is that there are two reasons why a person can be hypoxic. एक तो ऑब्वियसली निमोनिया है और दूसरा है थ्रोम्बोएम्बोलिज्म और ये बहुत अर्ली जमाने में ये डिटेक्ट कर लिया गया था और ये माइक्रो थ्रोम्बाय होते हैं नॉट लाइक अ बिग पल्मोनरी एम्बोलिज्म माइक्रो थ्रोम्बाय होते हैं जिनकी वजह से आपको इन्फिल्ट्रेट शायद इतना ज्यादा नजर ना भी आ रहे हो बट द पर्सन इज डिस्प्रोपोर्शनेटली हाइपोक्सिक और ये वो पेशेंट्स होते हैं दे डू बैडली वर्स प्रोबेबली देन दोज विद सिंपल इन्फ्लेमेशन तो जहां तक वेंटिलेटर की बात आपने पूछी Ventilator pe the bad news is that somebody who is bad enough to be on the ventilator doesn't have very good chances of survival. In fact, jo worldwide figures hain, including Pakistan, wo more than 80% mortality ki hain at the most 70%. The rest of them do not survive. The rest of them do survive, but 70-80% do not survive. Uski reason hai multi-organ failure. Heart is the culprit. Kidneys are the culprit and there is a barrage of things. So, ventilator are not the first option. We try with the anti-inflammatory. We try with oxygen, non-invasive ventilation. Sometimes antibiotics as well. Although we know that antibiotics is not the key treatment. Or there is a bunch of experimental drugs, which are not very experimental. वेरी फेमस क्लोरोक्वीन से लेकर टोसिलिज़ुमैब से लेकर और मिथाइल प्रेडनिसोलोन स्टेरॉइड से लेकर लॉट ऑफ एंटीवायरस लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई भी कंसेंसस नहीं है और हमने ये देखा है और एक्सपर्ट से अक्रॉस कराची पाकिस्तान और दूसरी जगहों पे बात करके भी देखा है कि द बेस्ट पॉलिसी इज दैट व्हाट यू आर यूज्ड टू व्हाट यू हैव फाउंड फ्रॉम एविडेंस एंड व्हाट यू हैव एक्सपीरियंस एंड व्हाट यू आर कंफर्टेबल इन तो इसमें प्रोटोकॉल्स में काफी फर्क है We know that no treatment is magic, बल्कि हम individualize भी करते हैं treatments को. मसलन ये कि cardiac patients और elderly patients में हमें chloroquine और azithromycin इस्तेमाल करते हुए थोड़ी सी hesitancy भी होती है. People who have abnormal liver function test. So it's very delicate and a evidence based to some extent, but since we do not have confirmed evidence, an expert's opinion. And an experience-based, careful, cautious approach on which we are working. Okay, Dr. Sohail, एक चीज जो है, क्योंकि you work in Indus Hospital और you also you've been the president of Pakistan Islamic Medical Association, which itself runs a number of hospitals across the country, itself as well as working with Al Khidmat, which is an NGO which has many hospitals. So you are involved in the delivery of health services. So मैं एक तो चाहूँगा कि आपसे ये पूछूँ कि जो hospitals हैं या health care facilities हैं, इनको कैसे prepare करना चाहिए अपने आप को? And you know we've had this discussion कि कुछ hospitals ने कहा कि हम we will receive COVID patients, तो उसकी वजह से normal patients वहाँ आना बंद हो गए, वो एक अलग हमारे लिए complication create हो गई. And we've had this conversation. So एक तो मैं चाहूँगा कि आप इसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालें. फिर ये कि SOPs and guidelines हमने अब तक क्या किया है कि हमने कट कॉपी पेस्ट किया है हमने जॉन्स हॉपकिंस की या WHO की जो गाइडलाइंस उनको लिया थोड़ा सा उनको हमने छेड़ा छाड़ा एंड देन वी हैव लॉन्च्ड दोस गाइडलाइंस इन पाकिस्तान एसेंशियली सो आई वांट योर व्यूज ऑन दैट और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट जो है हमारी वेबिनार और आई एम पार्ट ऑफ द WHO वर्किंग ग्रुप इन पाकिस्तान सो जुल्फिकार भुट्टा एंड मायसेल्फ वी आर बोथ सो एवरी वीक फैसल भी उसमें अंदर शामिल है तो उसमें कॉन्वर्सेशन थी कि यस वी कैन बाय अ लॉट ऑफ वेंटिलेटर्स बट हु इज गोइंग टू रन और मैनेज दोज वेंटिलेटर्स बिकॉज वी डोंट हैव ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स तो इस पे मैं चाहूंगा वर्किंग इन ए टर्शियरी केयर सेंटर योरसेल्फ कि कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए क्या गवर्नमेंट ने या हमारे हॉस्पिटल ने कोई कोई पॉलिसी है कोई हमारे पास कोई विजन है इसका है सो दैट वी कैन सिर्फ मरीजों को सेफ नहीं रखना हमने अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को भी सेफ रखना है तो अगर हम उनको बगैर ट्रेनिंग के मैदान में जो है वो भेज देंगे तो आई एम अफ्रेड दे विल डाई एंड अल्लाह ना करे सेकंड वेव आती है तो मतलब इट्स अ स्केरी थॉट सो प्लीज इफ यू कैन यू नो एलैबोरेट ये तीन चार चीजें जी जकी कोशिश करूंगा कोविड के आते ही सब लोग सहम के अपने अपने बिलों में बैठ गए थे जो हमने देखा हेल्थ केयर सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ एंड नोबडी न्यू व्हाट टू डू सबसे पहले तो हमने सब चीजें बंद कर दी
including OPDs and usual surgeries, which I think was the right thing to do at that time. Do hisson mein mera khayal hai hamara healthcare system divide ho gaya. A smaller portion which were actively dealing with COVID and the larger portion which were not. The private sector in particular, and to some extent the public sector, was afraid of contaminating their existing services with the COVID patients, and they were, you know, kind of in the denial mode, not accepting mode. Ab hame cheeze thodi si tabdeel hui hain. Relaxation lockdown mein bhi hui hai, aur relaxation hamari apni we have been a little brave. I think we have to come back to normality. Isme to koi shak nahi hai. मैं हॉस्पिटल हेल्थ केयर की बात कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पेशेंट सफर कर चुके हैं ऑलरेडी और मजीद करेंगे. देयर हैव बीन टॉक्स ऑफ कीमोथेरेपी बीइंग डिनाइड टू सो मेनी पेशेंट्स. डॉक्टर शैमविल, हु इज माय सीनियर कोलीग एट इंडस रनिंग अ चिल्ड्रन कैंसर हॉस्पिटल, ही वाज थ्रेटन्ड बाय हाउ मेनी पेशेंट्स वी विल सी हु हैव डाइड एक्चुअली बिकॉज दे कुड नॉट ट्रैवल टू कराची टू रिसीव ट्रीटमेंट एंड सो ऑन, एंड ट्यूबरक्लोसिस, disruption of chain of treatment and so on. So, हमें sooner the later हमें open होना पड़ेगा. लेकिन open होना पड़ेगा बड़े cautiously. Already at Indus where I work, there have been talk of developing a COVID specialty separately. Because it's not going to go away in the next week, so I think we'll have to designate wards, allocate healthcare personnel and separately to COVID, whereas the rest of the healthcare system continues as it was, taking precautions. Iske upar pakam shuru already ho chuka hai, lekin abhi bhi hesitancy hai hamare muashre mein, maine dekha hai. People are not ready, healthcare workers are scared because they have themselves been affected, etc. SOPs or guidelines ki jo aapne baat ki, उसमें हमें अपनी SOPs डेवलप करने की तरफ बढ़ना चाहिए. लुकिंग एट आवर एक्सपीरियंस, मैं जो ये बरियल गाइडलाइंस को देख रहा था तो मुझे बड़ी अफसोस हुआ और हैरत भी हुई कि वी वर ऑल द होल वर्ल्ड एक्चुअली इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वर फॉलोइंग द इबोला वायरस एक्सपीरियंस. उस वक्त तो ठीक था, लेकिन किस चीज़ ने हमें रोका था कि हम उसकी कोविड के बारे में भी, इन्फेक्टिविटी के बारे में भी ना मालूम कर सकते. तो मेरा ख्याल है अभी हमें लोकल पर्सपेक्टिव में भी इनको गाइडलाइंस को थोड़ा सा मॉडिफाई करने की ज़रूरत है. बाकी आप का जो मेरा ख्याल है कैपेसिटी बिल्डिंग, हमारी जो बिल्डिंग, राइट, द पॉइंट यू मेंशन अबाउट द वेंटिलेटर्स वर वेरी पर्टिनेंट. वेंटिलेटर्स आर रिलेटिवली ईजी टू बाय, बट टू रन द वेंटिलेटर इज अ हेल ऑफ अ जॉब. हम जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स भी हैं, अगर हम सारे के सारे इंटेंसिविस्ट को, एनेस्थेटिस्ट को, पल्मोनोलॉजिस्ट को वेंटिलेटर मैनेजमेंट पे भी लगा दें, तब भी हमारे इमरजेंसी रूम में 10-12-15 पेशेंट हर वक्त मौजूद रहेंगे जो उनको नीड होगी. और लेकिन हम एस्मा की एक्सेसिवेशन का, डायबिटिक किटोएसिडोसिस का, सर्कुलेटरी शॉक के पेशेंट्स का क्या करेंगे, उनको हम मरने तो नहीं दे सकते. तो आई थिंक कैपेसिटी बिल्डिंग इज अ बिग बिग इशू. रैपिडली डिवाइस ट्रेनिंग कोर्सेज प्रॉबली हल हैं, लेकिन हमारे पास उसमें हाफ को पॉपुलेशन ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स मिलेगी. शायद इन इस सिनारियों में हमारे लिए हाफ को भी बहुत गनीमत वाली चीज़ हो, लेकिन ये ज़रूर है कि सेटिस्फैक्ट्री नहीं मिलेगी. मेरा ख्याल है हमारे पर एक टाइम पीरियड होना चाहिए, 6 months, year, 2 year, 3 months, एंड डिवेलप आर ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स अकॉर्डिंग टू दैट. और बहुत क्विकली हमें हेल्थ प्राइवेट सेक्टर को फोर्स करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि आप भी इसमें, चूंकि आपके पास ट्रेन लोग मौजूद हैं लेकिन आप कोविड नहीं ले रहे हैं, तो आप प्लीज लीजिए और उसमें शरीक हो जाइए विद सम सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल मॉडल, और अपने ट्रेन लोगों को उस उन बढ़ते हुए तादाद को मरने से रोकिए जिसमें जितने एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज हैं वो सैचुरेट हो चुके हैं ऑलरेडी. So, Sohail bhai, aapki taraf one or two liners, what has COVID-19 taught us as physicians and researchers and policy makers? Ji, sabse pehle to ye ke COVID-19 mein itni nanne munne se virus ne hame apni auqat dikha di hai sabko, ke hum kitna disciplined log hain,
ये हम सबको नजर आ गया है, हम लोग इससे पहले कर क्या रहे थे? फॉर एग्जाम्पल, क्या खांसते वक्त स्लीव से कवर करना सिर्फ कोविड के लिए जरूरी है? वॉट अबाउट द मिलियंस ऑफ अदर वायरसेस एंड बैक्टीरिया? सो वॉट वर वी डूइंग? क्या हाथ धोना सिर्फ कोविड के लिए डर के मारे जरूरी है? मेरा ख्याल है इस 3 महीनों में जितने हम लोगों ने हाथ धोए होंगे, शायद पिछले 30 सालों में भी नहीं धोए होंगे. तो मेरा ख्याल है हमें नजर आ गया कि हम लोग कितने केयरलेस थे, और अगर अब भी नहीं संभले तो मेरा ख्याल है इसके इससे बड़ा शायद पैंडेमिक अल्लाह ना करे कि कोई आए. और लोग कितने पानी में हैं, हमारे पॉलिसी मेकर्स, हमारी गवर्नमेंट्स, अनफॉर्चुनेटली वेरी सैड टू इंक्लूड आवर रिलीजियस लीडर्स एज वेल, के व्हाट हैज बीन देयर फोकस ऑफ थिंकिंग, वाज इट सेविंग लाइव्स और वाज इट सेविंग सम इंस्टीट्यूशंस. हम अपने आप को भी इसमें देखें कि हम लोग कितने पानी में, हमने डॉक्टर्स ने कितने अपने आप को तैयार रखा था. ऑफकोर्स वी कांट लेट आवरसेल्व्स ऑफ द हुक. तीसरी चीज जो मैंने ये सीखी वो ये कि किसी एक पूरे ट्रेल को डी रेल करने के लिए एक छोटी सी कंफ्यूजन कितने काम आती है. सो दिस सोशल मीडिया एंड मीडिया हैज लेड अस रियली नो वेयर, एंड आई थिंक देर आर मोर नेगेटिव्स इन दिस मीडिया एंड सोशल मीडिया. इसका मतलब मैं ये नहीं कहता कि हम इसको इस्तेमाल ना करें, इसका मतलब ये मैं कहता हूँ कि हम लोग अकल इस्तेमाल करें कि क्या ये जो पूरे भेड़ों की कतार चली जा रही है हमें उसमें शामिल हो जाना है या अपना सही रास्ता बनाना है. और आखिरी चीज जो सब मेरा ख्याल है जिस्ट होने चाहिए, वो जो टीपू भाई ने अभी आखिर में बात कही वो बहुत ही आई ओपनर है, एंड आई रियली थैंक हिम दैट ही हैज गिवन अस अ लॉट ऑफ विजडम. और मुझे उससे फिर कुरान की वो आयत याद आ गई, जो मुझे पूरी तो याद नहीं, कि ज़हर अल फसादा वल बर वर बाहर, के जो जमीन और जी जो फसाद है वो इंसानों के अपने किया करदा है, और अगर हम नेचर को के आगे बाउ डाउन ना हुए, अल्लाह ताला के बनाए हुए निजाम को, उसके रियलिटीज को एक्सेप्ट नहीं किया, मुसलमानों ने नहीं, गैर मुसलमानों ने भी, कम से कम मुसलमान तो उसको मान लें, तो मेरा ख्याल है हम फसाद पे फसाद के लिए तैयार रहें. इसके अलावा कोई रास्ता नहीं कि अल्लाह ताला के बताए हुए जो निज़ाम है, जो हेल्थ का निज़ाम है, जो चैरिटी का, फिलंथ्रोपी का निज़ाम है, जो एक दूसरे को ध्यान करने का, ख्याल करने का निज़ाम है, जो वक्त पे सोने और वक्त पे जागने का निज़ाम है, जब तक हम उस तक ना आए तो मच मोर कैटास्ट्रोफीज ऑन द मेकिंग. अल्लाह थैंक यू वेरी मच. बहुत शुक्रिया.